नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश का सबसे बड़ा सूबा यानी प्रांत उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी है करीब 25 करोड़ और क्षेत्रफल के लिहाज से देखें हैं तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,43,000 वर्ग किलोमीटर। अब राजनीति की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं जबकि देश में यानी भारतीय संसद में सीटों की संख्या 543 है। अब इसमें देखें तो सबसे बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश की दिखती है, तो इस दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के कई मायने भी हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है पूरे देश में और सबसे बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिली थी जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों में से 62 सीटें मिली थी जबकि इस वर्ष यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 में केवल 33 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश से। अब इस हार का मातम मना रही भारतीय जनता पार्टी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सिर तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जबकि दो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इनमें एक है ब्रजेश पाठक और दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं जबकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं यानी ठाकुर हैं। तो अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुख्य चेहरे हैं वह ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और पिछड़ा है। अब इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास दोहराने जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1998-99 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय कल्याण सिंह। स्वर्गीय कल्याण सिंह पिछड़ा वर्ग से आते थे और जो हालात आज दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति के यानी भारतीय जनता पार्टी में जो जातीय संघर्ष दिख रहा है कमोबेश यही स्थिति वर्ष 1998-99 में थी। वर्ष 1998-99 में मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय कल्याण सिंह, तो उनके सामने सबसे बड़ा अवरोध दिख रहे थे क्षत्रिय नेता और ब्राह्मण नेता। यह क्षत्रिय नेता थे यानी स्वर्गीय कल्याण सिंह के कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा उनका विरोध हो रहा था वह एक क्षत्रिय नेता थे राजनाथ सिंह और दूसरे ब्राह्मण नेता थे कलराज मिश्र। कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और चाहते थे कि कल्याण सिंह को किसी भी तरह से हटाकर उनको यानी चाहे राजनाथ सिंह या कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया जाए और कमोबेश यही हालात आज दिख रहे हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उनके उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। तो यह सत्ता संघर्ष दिख रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानकर हाईकमान की शरण में है। तो इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना ही इतिहास दोहराने जा रही है, दोहराते हुए दिख रही है क्योंकि जो हालात आज हैं वही हालात वर्ष 1998-99 में थे जब स्वर्गीय कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अब केंद्रीय सत्ता की बात करें तो केंद्र की सत्ता में दो मुख्य चेहरे हैं, एक चेहरा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे उनके अपने सिपाही सालार और उनके अपने सेनापति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यह दोनों राजनेता गुजरात से आते हैं और गुजरात की लाबी धीरे धीरे पूरे देश पर
अपने यानी पूरे देश को अपने रिमोट पर चलाना चाहती है, ऐसी मंशा गुजरात लॉबी की दिखती है। तो गुजरात लॉबी के यह दो बड़े नेता, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, 2014 से गुजरात से निकलकर जो फतेह करना यानी चुनावी रणनीति और सत्ता का किला जो फतेह करना प्रारंभ किया, तो उसके बाद दो नेताओं ने यानी दो गुजरात लॉबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बात चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो या मध्य भारत की हो, उत्तर भारत की हो, सभी राज्य फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिमोट पर चलते हैं। अब चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ तक कि बिहार भी अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिमोट पर चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गुजरात लॉबी की कोई दाल नहीं गिल रही है, क्योंकि गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद अभी तक गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश में कोई कारनामा नहीं कर पाई है, जिससे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा सके। अब गुजरात लॉबी की यह कोई पहली कोशिश नहीं है योगी आदित्यनाथ को हटाने की। जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले से ही गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाह रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़े नेता हैं। अब अगर देखें तो 2024 में लोकसभा चुनाव में जितने रैलियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, कमोबेश उतने ही रैलियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में की। तो इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हल्का करके नहीं आंका जा सकता है भारतीय राजनीति में, और शायद यही वजह है कि गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से। हालांकि गुजरात लॉबी ने यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने दो सिपाही सालार, अपने दो सेनापति उत्तर प्रदेश में बतौर उप मुख्यमंत्री बैठा रखे हैं। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनको जो यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जो ऑक्सीजन मिलती है, वह केंद्रीय गृह मंत्री यानी गुजरात लॉबी के सिपाही सालार सेनापति अमित शाह से पूरी ऑक्सीजन मिलती है। अब इतना सब होने के बावजूद गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पा रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है, आखिर योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी क्यों हटाना चाहती है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी के रिमोट पर नहीं चलते हैं, वह अपने फैसले खुद लेते हैं और उत्तर प्रदेश को अपने नियम कायदे कानून और अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो गुजरात लॉबी को रास नहीं आ रहा है। और शायद इसीलिए गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाना चाहती है। लेकिन अभी तक गुजरात लॉबी का हर मंसूबा, हर रणनीति औंधे मुंह गिरी है और अभी तक योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी यूपी से नहीं हटा पाई। अब इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में हिंदुत्व का, हिंदू का एक बड़ा चेहरा है, और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के साथ यदि कोई है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है यानी संघ परिवार आदित्यनाथ के साथ है। जबकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जो ऑक्सीजन मिलती है वह हाई कमान से मिलती है यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलती है, या यूं कहें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रिमोट पर चलते हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। तो एक तरह से देखें तो जो वर्ष 1998-99 में संघर्ष था कि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय कल्याण सिंह और उनके जो विरोधी थे राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र, तो पात्र दोनों सीन में, चाहे वह वर्ष 1998-99 का काल हो या 2024 का काल हो, दोनों में ही तीन पात्र हैं, तीन चेहरे हैं। एक ब्राह्मण है, एक पिछड़ा है, एक क्षत्रिय है। अब देखें तो वर्ष 1998-99 में
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिछड़ा वर्ग का चेहरा था तो अपोजिशन यानी उनका विरोध करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय चेहरे थे, और अब मौजूदा समय में जो स्थिति बदली हुई है तो अब मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यानी क्षत्रिय चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। जो सत्ता का विरोध हो रहा है वह ब्राह्मण चेहरा है और पिछड़ा चेहरा है, तो पूरा संघर्ष वही है, सिर्फ पात्र बदले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और पिछड़ा। तो फिलहाल सत्ता संग्राम में शांति दिख रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को शांत रहने की सीख दी है, सलाह दी है, जबकि योगी आदित्यनाथ के लिए एक नया रास्ता खोल दिया गया है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, यानी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब यदि यूपी के इन उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ सभी 10 सीटें जिता कर ले आते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को फिलहाल साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी का एक बड़ा चेहरा बनकर एक बार फिर उभरेंगे, क्योंकि उपचुनाव की 10 सीटों को जिताना कोई आसान बात नहीं है, और यदि यह कामयाबी योगी आदित्यनाथ हासिल कर ले गए तो उनकी कुर्सी फिलहाल बरकरार रहेगी, यदि नहीं हासिल कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हाईकमान उन पर दबाव बनाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 33 सीटें मिली हैं और उपचुनाव भी योगी आदित्यनाथ नहीं जीता पाए, लिहाजा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा दबाव हाईकमान का योगी आदित्यनाथ पर बनेगा। तो देखें असल लड़ाई मंडल और कमंडल की है कि कौन किस पर हावी होगा या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपना ही इतिहास दोहराते हुए दिख रही है। वर्ष 1998-99 का मामला हो चाहे वर्ष 2024 का मामला हो, पात्र भले ही बदले हों, चेहरे भले ही बदले हों, लेकिन जो संघर्ष 1998-99 में था वही संघर्ष 2024 में दिख रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना ही इतिहास एक बार फिर दोहराने जा रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।